आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर ट्रेजर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज कटहल की बात करेंगे। कटहल एक वेजिटेबल व एक मेडिसिनल ट्री। मित्रों, आप सुंदर लगे हुए कटहल के कंपाउंड फ्रूट्स देख रहे हैं। ग्रीन कलर के ये फ्रूट्स हैं और जो कच्ची अवस्था में फ्रूट्स होते हैं ये वात कारक होते हैं। पकने के बाद ये फ्रूट जो है ये वात शामक हो जाते हैं। ये जो प्लांट है रक्त पित्त शामक भी है। औषधीय गुणों के लिए किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आज हम जानेंगे। और इस प्लांट का प्रोपेगेशन आप बर्ड ग्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इसका जो सीड होता है वो रिकैल्सिट्रेंट नेचर होता है। 1 महीने तक उसमें जर्मिनेशन पोटेंशियल रहता है और 1 महीने बाद उसको जर्मिनेट करना मुश्किल हो जाता है। तो रिकैल्सिट्रेंट सीड होने के कारण सीड के माध्यम से प्रोपेगेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बर्ड ग्राफ्टिंग के माध्यम से आप सहजता से इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसके जो सुंदर लीव्स हैं उसका आप डिकॉक्शन बनाकर अगर सेवन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने के कारण ये शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का कार्य करता है। इसकी जो छाल होती है, छाल के अंदर नेचुरल डाई देने की क्षमता होती है और नेचुरल डाई भी इस प्लांट की छाल से तैयार की जाती है। इस छाल का उपयोग हम डायबिटीज़ के कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं और इस छाल का डिकॉक्शन का उपयोग हम रूमेटिज्म और आर्थराइटिस की समस्या के निराकरण के लिए भी करते हैं। काफ़ी औषधीय गुणों के रूप में हम इसको लेते हैं और काफ़ी ये सेफ। इसको हम महीन चूर्ण बनाकर भी कांच की बोतल में भर के रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार 5 ग्राम छाल का महीन चूर्ण डिकॉक्शन बनाकर सेवन कर सकते हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी आप उपयोग में ला सकते हैं। कई बार स्किन के ऊपर जो फंगल एक्टिविटीज़ के कारण जो इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वुंड हीलिंग की समस्या हो, घाव ना बढ़ रहा हो, तो आप इस छाल का महीन चूर्ण घाव पर लगा सकते हैं और इसका क्वाथ बनाकर घाव को धो भी सकते हैं। ये भी एंटीडॉट एक्टिविटी के लिए उपयोग में आता है। पॉइजन के अगेंस्ट इसकी एंटीडॉट एक्टिविटी होती है। मित्रों, जो इस प्लांट से निकलने वाला जो दूध होता है, लेटेक्स होता है, वो नंबर ऑफ मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, हिस्टिडिन, ल्यूसीन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन। ये अमाइनो एसिड्स बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ एफ्रोडाइसेक भी नेचर होता है। एफ्रोडाइसेक जो प्लांट होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करने के साथ साथ वाजीकरण का भी अच्छा कार्य करते हैं, बॉडी को सप्लीमेंट देने का कार्य करते हैं और बॉडी में मिनरल अगर डिसबैलेंस हो गया है तो उसको भी दूर करने का कार्य करते हैं। तो इस प्लांट के लेटेक्स का आप उपयोग एफ्रोडाइसेक एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसके दूध का सेवन करते हैं तो वो अबोर्टिफिशेंट नेचर होता है, गर्भपात करा सकता है। तो उस दृष्टि से इसका लिमिटेड अमाउंट में आप सेवन करें। मैं तो ये समझता हूँ 8 से 10 ड्रॉप्स लेटेक्स की एक समय पे अगर आप सेवन करते हैं और पतासे में डाल के आप उसका सेवन भी कर सकते हैं, काफ़ी हद तक सेफ है। उसको आप ले सकते हैं, आप इसकी शाखाओं से लगा दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल कट्स भी लगा सकते हैं और इनके लेटेक्स को कलेक्ट कर सकते हैं और पतासे में डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसका पका हुआ फल पीला हो जाता है और काफ़ी मधुर हो जाता है, मीठा हो जाता है और स्टार्च का कंटेंट उसके अंदर बढ़ जाता है। एज ए फ्रूट हम उसको उपयोग में लाते हैं और काफ़ी हेल्दी होता है। कटहल का अचार बनाते हैं तो वो अचार बरसात के मौसम में हमें जो अपचन की समस्या होती है, डाइजेशन की समस्या होती है, इनडाइजेशन की समस्या को दूर करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। वो हमारी भूख को बढ़ाने का कार्य करता है, अपच की समस्या को दूर करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। मित्रों, इसका जो बीज होता है उसके अंदर भी स्टार्च का रिच कंटेंट पाया जाता है। स्टार्च है, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं और उन बीज का आप सुखा कर चूर्ण बनाकर या पाउडर बनाकर रख सकते हैं। बॉडी को नरिश करने के लिए एडेप्टोजन का वो कार्य करता है। का वो चूर्ण होता है वो ओबिसिटी से भी
लड़ने में हमारी हेल्प करता है, वो मोटापे से हमें बचाता है, बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा कर देता है और बार बार हमें जो भूख लगने की समस्या होती है उससे भी छुटकारा दिलाता है। धीरे धीरे हमारी जो ओबिसिटी है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से आपने जाना कि आप इसका बार्क, इसके पत्र, इसका लेटेक्स, इसके पके हुए फ्रूट और इसके बीज कैसे अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य के वर्धन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। फिर आपसे चर्चा करेंगे एक नए प्लांट की। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नित्य प्रति जो प्लांट की जानकारी आपको मिलती है वो आप अन्य लोगों के साथ भी साझा करते रहें, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नए प्लांट की सूचना तत्काल मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम।